हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका बी एस फंटेसी प्रोडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन वेगो टी टेन ब्लास्ट की, जो कि सीरीज का 16वां मैच होगा, जो कि MIS और NML के बीच में होने वाला 25 नवंबर को होने वाला ये मैच रात के 12 बजे शुरू होगा। और वेन्यू सौ पार्क स्कोरबोर्ड टोबागो ट्रिनिडाड एंड टोबागो पिच बोर्ड बैलेंस विकेट एवरेज सस्टेनिंग स्कोर 93 का रहेगा। और मिस की अगर प्लेइंग इलेवन की बात करें तो क्रिस्टियन कालीचरण ओपनिंग करेंगे। और इनके परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 38-30 की इनिंग अब तक इन्होंने खेली है। पहली इनिंग ज़्यादा अच्छी थी, उसके बाद में एक में थोड़ा डाउन हुआ और उसके बाद फिर वापस। तो बेहतरीन प्लेयर हैं, आप इन्हें अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करें। गिल्डन पॉप ये भी एक बेहतरीन प्लेयर, 0-42-30 की इनिंग। कैपस कूपर की बात करें 25-25-19 की इनिंग खेली है अब तक की इन्होंने अपने परफॉर्मेंस को अगर तीन मैचों की देखा जाए तो आप चाहें तो इन्हें अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, या इनको ड्रॉप करके आप शत्रुघ्न रामचरण को ले सकते हैं, जो कि नंबर 4 पे आपको बैटिंग करके देंगे और इसके अलावा वो बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप भी देंगे। पहले मैच में 1 ओवर का विकेट नहीं, दूसरे मैच में 4 रन बनाए 2 ओवर का विकेट नहीं, तीसरे मैच में 2 ओवर 2 रन 2 ओवर विकेट नहीं मिला। हालांकि अभी तक इन्होंने 3 मैच खेले, 3 मैच में विकेट नहीं मिला, लेकिन सामने वाली टीम को देखते हुए आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपनी टीम में। अकील कूपर ड्रॉप कर सकते हैं, सेल्विन डंकन ड्रॉप कर सकते हैं, कैशअप डिलन चाहे तो आप ट्राई कर सकते हैं। पहले मैच में 1 ओवर विकेट नहीं, दूसरे मैच में 2 विकेट 2 ओवर फेंकते हुए, और तीसरे मैच में भी विकेट नहीं मिला 2 ओवर फेंकते हुए। नीट की बात करें तो पहले मैच में विकेट नहीं मिला 1 ओवर फेंका, दूसरे मैच में 2 विकेट निकाले 2 ओवर फेंकते हुए, तीसरे मैच में भी इन्हें विकेट नहीं मिला 2 ओवर फेंकते हुए। हालांकि अपने लास्ट के दोनों ही मैचों में तो 2 ओवर फेंके हैं इन्होंने। जेम्स आप ड्रॉप कर सकते हैं, जस्टिन गाव को आप चाहें तो बॉलिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। पहले और दूसरे मैच में 1-1 विकेट निकाला है, पहले मैच में 1 विकेट 1 ओवर फेंकते हुए, दूसरे मैच में 1 विकेट 2 ओवर फेंकते हुए, और लास्ट मैच में 2 विकेट निकाले हैं 2 ओवर फेंकते हुए। हर मैच में इन्होंने 3 मैच खेले, तीनों मैचों में 1 विकेट निकालें तो आपने अपनी टीम में ट्राई करें। रमेश ब्रिजलाल को ट्राई कर सकते हैं आप। पहले मैच में विकेट नहीं मिला 1 ओवर फेंका, दूसरे मैच में विकेट नहीं मिला 2 ओवर फेंके, तीसरे मैच में भी इन्हें विकेट नहीं मिला 2 ओवर फेंके। स्टार्टिंग ओवर आपके लेके आते हैं, जस्टिन गागू शत्रुघ्न रामभरन रमेश ब्रिजलाल, डेथ ओवर में एंथनी रमेश ब्रिजलाल एंड केशव डिलन। आप चाहें तो इनकी टीम से कृष्णन राम कालीचरण गिल्डन पॉप कैपस कूपर शत्रुघ्न रामभरन को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो जस्टिन गंगू को ट्राई कर सकते हैं। सामने वाली टीम में एनिमल की बात करें तो कपिल पूरन बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप देते हैं, कभी कभी बॉलिंग करते हैं, हमेशा बॉलिंग नहीं करते हैं। हालांकि लास्ट के तीनों ही मैच में इन्होंने बॉलिंग की 1 ही ओवर फेंका है, पहले मैच में 15, दूसरे मैच में 10, 2 विकेट निकाले 1 ओवर फेंक के, तीसरे मैच में जल्दी आउट हुए 1 ओवर फेंका विकेट नहीं मिला, लास्ट मैच में 45 रन बनाए 1 ओवर फेंका विकेट नहीं मिला। जेडन कोहली लास्ट मैच अच्छी इनिंग खेली 48 रन बनाए, पहले मैच में 19 थे 1 ओवर फेंका विकेट नहीं, उसके बाद 107, फिर अगले नेक्स्ट मैच 0 पे आउट हुए और नेक्स्ट जो लास्ट मैच था उसमें 48। चार्ल्स की बात करें तो लास्ट मैच इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है। पहले मैच की बात करते हैं, पहले तो पहले मैच में 18, दूसरे मैच में 13 1 ओवर फेंका विकेट नहीं, तीसरे मैच में 6 रन 2 ओवर फेंके 1 विकेट, और लास्ट मैच में 23 रन 3 विकेट 2 ओवर फेंकते हुए। कप्तानी या वाइस कप्तानी के प्लेयर तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आप चाहें अगर मेगा लीग खेलने तो ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कप्तानी के जो प्लेयर हैं वो हैं ट्वन वेबसिटर, अगर पहले ये टीम ओपनिंग करती है या बाद में भी करे तब भी आपने ट्राई कर सकते हैं। हालांकि लास्ट मैच में ये काफ़ी नीचे मतलब डिमोट हुए, इन्हें इनकी जगह पे चार्ल्स को मौका दिया गया, उन्होंने भी 23 रन बनाए और अच्छी इनिंग खेली। एंटोनियो प्रोवोडेंस आप ड्रॉप कर सकते हैं, शकील जॉनसन आप ड्रॉप कर सकते हैं, क्यों इसाक लास्ट मैच में 2 ओवर फेंके लमसन, इन्होंने अभी तक 3 ही मैच खेले हैं, 1 मैच नहीं खेला, अब तीनों ही मैचों में इन्होंने अपने 2-2 ओवर फेंके हैं। पहले ही मैच में इन्होंने 2 ओवर फेंके थे जिसमें 1 विकेट निकाला था, उसके बाद इन्होंने किसी भी मैच में अभी तक विकेट नहीं निकाला। आप चाहें तो मेगा लीग में ट्राई कर सकते हैं। वेबसाइटर की बात करें बेहतरीन प्लेयर हैं, कभी भी आपको अच्छे पॉइंट दे सकते हैं। पहले मैच में जल्दी आउट हुए 2 विकेट निकाले 2 ओवर फेंकते हुए, दूसरे मैच में 3 रन
एक विकेट दो ओवर, और तीसरे मैच में 19 रन 3 विकेट 2 ओवर, लास्ट मैच में सिर्फ 2 ओवर फेंके हैं, विकेट नहीं मिला और बैटिंग के लिए काफ़ी नीचे आए थे। एरन अल्फ्रेड ड्रॉप कर सकते हैं। मिका गोबिन लास्ट के 3 मैचों से 1-1 ओवर फेंक रहे हैं, शुरुआत में 2-2 ओवर फेंके थे, चाहे तो आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं क्योंकि 1 ही ओवर फेंक रहे हैं। आप चाहें तो उस प्लेयर को लें जो आपको स्टार्टिंग में 1 ओवर और 1 ओवर डेथ में देता है, या आप उस प्लेयर को लें जो आपको सीधे तौर पे 2 ओवर देता है, तो आप इन्हें ड्रॉप करके किसी भी प्लेयर को ले सकते हैं या बैट्समैन को। ब्रायन चार्ल्स हर मैच में 2 ओवर फेंक रहे हैं, पहले मैच में 2 विकेट 2 ओवर, 2 विकेट 2 ओवर, तीसरे में 2 विकेट 1 विकेट 2 ओवर, और लास्ट मैच में भी 1 विकेट निकाला 2 ओवर फेंकते हुए। ब्रेंडन रामदीन 28-0-24 ड्रॉप कर सकते हैं स्टार्टिंग के ओवर। क्योन इसाक, टेवन बैस्टर, चार्ल्स, ब्रायन चार्ल्स, डेथ ओवर में डेवन चार्ल्स, केविन पूरन, टेवन बैस्टर, मिका गोविन एंड ब्रायन चार्ल्स। बेंच प्लेयर में एको जॉर्ज एंड केल रॉस, इनकी टीम से किसी प्लेयर को लेने की अगर बात की जाए तो कमली पूरन, जेडन गोली, डेजॉर्न चार्ल्स, बैप्सिटर, ब्रायन चार्ल्स और केन स्टॉक को आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम अपनी टीम की बात करें तो हमारी टीम अभी तक कुछ इस तरीके से रहेगी। आप चाहें तो सेम टीम के साथ जा सकते हैं अगर सब प्लेयर खेलते हैं तो, या आप कप्तान या वाइस कप्तान को बदल भी सकते हैं अगर सब प्लेयर, वैसे अनुमान है कि हो सकता है कि 1 या 2 प्लेयर की चेंजेस हो लाइन आउट आने पर, इसका पता चलेगा। बाकी आप अपनी खुद की टीम भी बना सकते हैं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को वीडियो में देखते हुए कि किस प्लेयर ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। आप हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम दोबारा जब कभी वीडियो डालें तो आपको उसकी पहले जानकारी मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों।